कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के जिस हिस्से में महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल बना हुआ है। इस युद्ध में कौरव और पांडव की ओर से लाखों सैनिक मारे गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की विधवाओं का क्या हुआ, आखिर ये विधवाएं कहाँ चली गयी। आइए जानते हैं आज की इस खास कहानी में। ये बात महाभारत युद्ध के 15 साल के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गंधारी सभी सन्यासी होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये जानकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ साथ हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी उनके साथ चल पड़ी। इनमें वो सभी विधवा महिलाएं शामिल थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। जंगल पहुंचने के बाद वे सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके रहे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वहां मौजूद सभी हस्तिनापुर के वासी अपने उन बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीर गति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने सभी को समझाया कि आपके बांधव और घर वाले मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग व अन्य लोकों में आराम से रह रहे हैं, आप उन सभी के लिए विलाप मत कीजिए। लेकिन हस्तिनापुर वासियों को वेदव्यास जी की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलाऊंगा, तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। वेदव्यास जी सभी को सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपनी तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया। वेदव्यास जी के इस विद्या बल से वे सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वे सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हो। ये देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए। इसके चलते सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शोक और पीड़ा थी वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आह्वान से आए हुए सभी योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगी। तब महर्षि व्यास जी ने वहां उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से ये कहा था कि जो स्त्री अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वे गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेदव्यास जी की ये बात सुनकर वे सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी गंगा की उस पवित्र धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई।